हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम कि ये देता कौन है। सबसे पहले पहले इसकी बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये जो डिपार्टमेंट है ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट। ये टैग देता है किसी भी प्रोडक्ट को, है ना? इस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इसकी टैगलाइन है। तो ये होते क्या है? व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? बेसिकली कुछ नहीं होते। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक रीज़न है, जैसे आगरा है, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है ना? दार्जिलिंग ग्रीन टी वेस्ट बंगाल की बहुत मशहूर है। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक रीज़न, कोई भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीज़न होता है जहाँ का कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस होता है, उसको ये टैग दिया जाता है ना? ये टैग दिया जाता है जिससे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, प्लस उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसको लोग बाहर से आके ज़्यादा खरीदें, इसके लिए ये इंडिकेशन दिया जाता है। हम बेसिकली 2018 और 19 के टैग कवर करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, वो था दार्जिलिंग टी, है ना? ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था जिसको वेस्ट बंगाल से दार्जिलिंग वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। इसके बाद अरनमुलई कन्नड़ी, ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था जिसको केरला से जीआई टैग मिला था। पोचमपल्ली इकटक, ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था जिसको तेलंगाना से जीआई टैग मिला था। तो ये कुछ थे जिनको जो स्टार्टिंग में कवर करे गए थे, जिनको जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखना है, दार्जिलिंग टी को वेस्ट बंगाल से टैग मिला है, अरनमुला कन्नड़ी को केरला से टैग मिला है, और पोचमपल्ली इकटक को तेलंगाना से टैग मिला है। अब हम 2018-19 पर आते हैं। तो हम इस लेक्चर में अभी जो फरवरी मतलब जो अप्रैल 2017 से मार्च 2018, फिर मार्च 2018 से मार्च 2019 तक के टैग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बंगनापल्ले मैंगोज़। ये कहाँ, इनको एग्रीकल्चर में जीआई टैग मिला है, कहाँ से? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश, 2014 तक जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का पार्ट था, फिर 2014 में इसको बाइफरकेट करके दो स्टेट्स बनाए गए थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो जो बनेगन पल्ले मैंगोज़ है इसको दो जगह से जीआई टैग मिला है। पोचमपल्ली इकटक जो है इसको ये हैंडीक्राफ्ट में मिला है तेलंगाना से। गोविंदो भोग राइस जो है इसको एग्रीकल्चर में वेस्ट बंगाल से जीआई टैग मिला है। दुर्गा स्टोन कार्विंग जो है इसको आंध्र प्रदेश से हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। इक्की तो पक्का टॉयज जो है इसको आंध्र प्रदेश से हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। तुला पंजी राइस जो है इसको वेस्ट बंगाल से एग्रीकल्चर में जीआई टैग मिला है। तो आप चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, उसके बाद ही याद होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो चाक्षिंग सॉन्ग शॉल है इसको नागालैंड से जीआई टैग मिला है। महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर जो है इसको तमिलनाडु से हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। महाबलीपुरम आपको, आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी रहता है ये। तो ये जो महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर है इसको तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है। बांग्ला रसगुल्ला जो है इसको वेस्ट बंगाल से जीआई टैग मिला है फूड स्टफ में। और लम्फूम ब्रोकेट थाई सिल्क जो है इसको थाईलैंड में हैंडीक्राफ्ट से जीआई टैग मिला है। निलंबूर टीक जो है इसको केरला से एग्रीकल्चर में जीआई टैग मिला है। बंकुरा पंचमुड़ा टेराकोटा क्राफ्ट इसको वेस्ट बंगाल से हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। पोकरन पॉटरी को राजस्थान से हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। आदिलाबाद डोकरा को तेलंगाना से हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। वारंगल दरीज को तेलंगाना से हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। अलागड़ा स्टोन कार्विंग को हैंडीक्राफ्ट में आंध्र प्रदेश से जीआई टैग मिला है। भागलपुरी जरदालू जो है बिहार से एग्रीकल्चर में इसको जीआई टैग मिला है। कतरानी राइस जो है एग्रीकल्चर में बिहार से इसको जीआई टैग मिला है। जो माघी पान है ना, जो कतरानी राइस है उसको बिहार से, और जो माघी पान है उसको भी बिहार से एग्रीकल्चर में जीआई टैग मिला है। गाजीपुर वॉल हैंगिंग हैंडीक्राफ्ट में यूपी से इसको जीआई टैग मिला है। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क आपने सुना होगा, वाराणसी यूपी में है, तो इसको यूपी में हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग मिला है। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क को बंगाल डोकरा को हैंडीक्राफ्ट में वेस्ट बंगाल से जीआई टैग मिला है। बंगाल पताचित्र को हैंडीक्राफ्ट में वेस्ट बंगाल से जीआई टैग मिला है। पुरुलू छाऊ
मास्क को हैंडीक्राफ्ट में वेस्ट बंगाल से जे आई टेक मिला है। वुडन मास्क ऑफ कुशमंडी को हैंडीक्राफ्ट में वेस्ट बंगाल से जी आई टेक मिला है। मधुर काठी को हैंडीक्राफ्ट में वेस्ट बंगाल से जी आई टेक मिला है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, चाहें तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये वाले वो हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि 2018-19 तक के याद रहने चाहिए। जवुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, आप लोगों ने कड़कनाथ चिकन का नाम सुना होगा जो मध्य प्रदेश के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो ये फूड स्टफ में इसको मध्य प्रदेश से जी आई टैग मिला है। बोको चावल को एग्रीकल्चर में आसाम से जी आई टैग मिला है। गानो पदानो को इटली से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में इसको जी आई टैग मिला है। अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे इटली है ना, इटली इंडिया में तो आता नहीं है, मतलब जी आई टैग बाहर के प्रोडक्ट्स को भी दे सकते हैं, तो ग्रानो पदानो जो है ये इटली से इसको जी आई टैग मिला है। अल्फोंजो जो है इसको एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र से जी आई टैग मिला है। राजकोट पटोला को हैंडीक्राफ्ट में गुजरात से जी आई टैग मिला है। शाही लीची को बिहार से में एग्रीकल्चर में जी आई टैग मिला है। सांगली टर्मरिक जो है इसको महाराष्ट्र से एग्रीकल्चर में जी आई टैग मिला है। पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक जो है इसको गुजरात से हैंडीक्राफ्ट में जी आई टैग मिला है। कोल्हापुरी चप्पल को दो जगह से जी आई टैग मिला है, कर्नाटका और महाराष्ट्र से हैंडीक्राफ्ट में। सिलाओ खाजा जो है इसको फूड स्टफ में बिहार से जी आई टैग मिला है। ठीक है, कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी को एग्रीकल्चर में कर्नाटका से जी आई टैग मिला है। वयानर रोबस्टा कॉफ़ी को एग्रीकल्चर में केरला से जी आई टैग मिला है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी को एग्रीकल्चर में कर्नाटका से जी आई टैग मिला है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को एग्रीकल्चर से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दो स्टेट से मिलकर अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को जी आई टैग का दर्जा मिला है। बाबा बुदांगिरी अरेबिका कॉफ़ी को एग्रीकल्चर में कर्नाटका से जी आई टैग मिला है। हिमाचली कारला जीरा नाम ही बता रहा है हिमाचली, तो हिमाचल में से इसको एग्रीकल्चर में जी आई टैग का दर्जा मिला है। सिरसी सुपारी को एग्रीकल्चर में कर्नाटका से दर्जा मिला है जी आई टैग का। हिमाचली चूली ऑयल को हिमाचल से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। चुनार बलुआ पत्थर जो है इसको उत्तर प्रदेश से नेचुरल प्रोडक्ट में इसको जी आई टैग का दर्जा मिला है। चुनार बलुआ पत्थर, तो याद रखना है ये कहाँ से है, ये उत्तर प्रदेश से है। इरोड मंगल इरोड टर्मरिक जो है इसको तमिलनाडु से एग्रीकल्चर से जी आई टैग का दर्जा मिला है। मारायूर जैगरी एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर से केरला से इसको जी आई टैग का दर्जा मिला है। तिरुभुवन सिल्क साड़ी को तमिलनाडु से हैंडीक्राफ्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। जीरा फूल को एग्रीकल्चर में छत्तीसगढ़ से जी आई टैग का दर्जा मिला है। कढ़ामल हल्दी को उड़ीसा से एग्रीकल्चर में जी आई टैग का दर्जा मिला है। उड़ीसा रसगुल्ला को उड़ीसा से मिला है फूड स्टफ में जी आई टैग का दर्जा। कोड़ई कनल मलाई पोंदू ये जो है ये तमिलनाडु का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वहीं से इसको जी आई टैग का दर्जा मिला है। पाउंदूम जो है इसको मिजोरम से हैंडीक्राफ्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। नगो टेकरे इसको मिजोरम से हैंडीक्राफ्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। हमारम को मिजोरम से हैंडीक्राफ्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। पलानी पंच मित्रन जो पलानी पंचा मित्रम है ये एक वो है प्रसाद है ना, तो इसको तमिलनाडु से फूड स्टफ में जी आई टैग का दर्जा मिला है। तावलो पुआन जो है इसको मिजोरम से हैंडीक्राफ्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। मिजो पाउंची जैसे नाम बता रहा है मिजो पाउंची ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, इसको मिजोरम से जी आई टैग का दर्जा मिला है। गुलबर्ग तुअर दाल इसको कर्नाटका से एग्रीकल्चर में जी आई टैग का दर्जा मिला है। तिरूर बीटल लीफ या तिरूर वेटेला इसको केरला से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। इरिश विस्की आयरलैंड से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में जी आई टैग का दर्जा मिला है। खोला चिली इसको गोवा से एग्रीकल्चर में जी आई टैग का दर्जा मिला है। इदू मिशमी टेक्सटाइल इसको अरुणाचल से हैंडीक्राफ्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। दिंडीगुल लॉक्स जो है तमिलनाडु से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में जी आई टैग का दर्जा मिला है। कदंगी साड़ी जो है हैंडीक्राफ्ट से तमिलनाडु से इसको जी आई टैग का दर्जा मिला है। ठीक है, ये 2019 के हैं और ये लास्ट जो दो हैं, एक मिनट, श्री विल्ली पुतुर पालकोवा को फूड स्टफ में तमिलनाडु, ये फूड स्टफ है श्री विल्लू पुतुर पालकोवा, ये तमिलनाडु के लोग खाते हैं और ये वहीं से इसको जी आई टैग का दर्जा मिला है। काजी नींबू एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये आसाम में पाया जाता है, तो इसको वहीं से काजी नींबू को आसाम से जी आई टैग का दर्जा मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जी आई टैग थे, होप आपको पसंद आए होंगे।
तो इसके साथ हमने जो मेजर जीआई टैक्स थे 2018-19 के वो कवर करे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।